हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो टेली का नया रिलीज़ वर्जन आने वाला है 3.0 उसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो कि आप अगर टेली प्राइम 3.0 में 2.1 से माइग्रेट होते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और उसमें क्या क्या नई फैसिलिटी आने वाली है, उसका पूरा सीरीज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। बट फर्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो टेली प्राइम 2.1 के जो डेटा है उसको हम लोग 3.0 में माइग्रेट करेंगे, तो उसके बाद 3.0 का जो डेटा होगा वो 2.1 में चलेगा कि नहीं चलेगा उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पे मैं पूरा एक कंपनी का आपको माइग्रेट का पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, माइग्रेट प्रोसेस होने के बाद आपको डेटा किस तरीके से शो करेगा ये सारी चीज़ बताऊंगा, और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे कि उसमें क्या क्या नई फैसिलिटी ऐड की है, आपको किस तरीके से उसमें इसका बेनिफिट हो सकता है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये मैंने 3.0 अपडेट कर दिया है, ये अल्फ़ा रिलीज़ वर्जन है जो कि हम पार्टनर को मिलता है, आपको वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने टेस्टिंग में एक कंपनी को मैंने माइग्रेट किया, आप देख सकते हो कि ये दोनों कंपनी सेम है, बट आप यहाँ पे दोनों में देख सकते हो कि जो उसका नंबर होता है, फोल्डर नंबर जो बनता है जो टेली प्राइम का होता है वो 10,000 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको माइग्रेट करने के बाद ये 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो भी आप कोई नई कंपनी को माइग्रेट करोगे तो वो पर्टिकुलर उस कंपनी के ऊपर डेटा माइग्रेट नहीं होगा, एक नया कंपनी क्रिएट करेगा और वही कंपनी आपकी टेली प्राइम 3.0 में वर्क करेगी। अभी जैसे कि मैं ABC कंपनी कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे एंड ओपन करता हूँ, माइग्रेट का पूछ रहा है, यहाँ पे अगर मैं माइग्रेट करता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक माइग्रेट प्रोसेस हो चुका है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बिफोर माइग्रेशन आफ्टर माइग्रेशन कितने लेजर क्रिएट हुए क्या हुआ वो सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे, जब हम लोग 7.2 में से 9 में माइग्रेट का प्रोसेस करते हैं उसमें कैसे पूरा रिपोर्टिंग मिलता है, सेम इस तरीके से आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ABC कंपनी का यहाँ पर एक नया कंपनी क्रिएट हो चुका है, इस तरीके से आपको एक नया कंपनी क्रिएट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि माइग्रेट करने के टाइम जो टाइम जाएगा वो डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन कितना है, आपके कितने साल का डेटाज है, नंबर ऑफ़ मास्टर वगैरह कितना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नया कंपनी क्रिएट का पूरा प्रोसेस करेगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। जैसे ERP 9 में से प्राइम में माइग्रेट करने में जो टाइम जा रहा था ऐसा नहीं होगा, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप टेली प्राइम 2.1 से अगर 3.0 में माइग्रेट करते हो तो आपको पूरा टाइम लेके आपको उसका प्रोसेस करना है। और एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है, 3.0 का डेटा 2.1 में नहीं चलेगा, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है कि ऐसा फिर ना हो कि अगर आपका डेटा 3.0 में चला गया, आपने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी उसमें कर दिया, फिर बाद में आपको लगे कि नहीं आपको 2.1 में ही रहना था, तो फिर वो माइग्रेट 2.1 में डेटा वापस ओपन नहीं होगा। और आगे जो मेरे वीडियोज़ आएंगे उसमें आपको पूरा डिटेलिंग बताऊंगा कि उसमें जो टेली ने जो नया फैसिलिटी ऐड किया है वो क्या क्या फैसिलिटी, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी टेली प्राइम ने उसमें ऐड की है, तो आपको फ्यूचर में जो नए अपडेट्स मिलने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो इसका रिलीज़ वर्जन जैसे लॉन्च होगा मैं आपको इसका डिटेलिंग वीडियो बना के बताऊंगा, बट उसमें जो जो फैसिलिटी ऐड है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं इस वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।